अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वकास अहमद है और मैं आज आपको डिजिटल मार्केटिंग इज इजी सीरीज का पहला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो बात यह है कि हमने इस लेक्चर को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया। देखिए, मैं अपनी गलतियों से हमेशा सीखता हूँ, तो मैंने फाइंड किया है कि मेरी क्या गलतियाँ थी जब मैंने फ्रीलांसिंग इज इजी सीरीज जो है वो आपको पढ़ाई। तो अब डिजिटल मार्केटिंग इज इजी सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह। शुरू करते हैं पहले पार्ट से। ये बहुत जरूरी होता है। देखिए, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते। तो जरूरी है कि मेरा इंट्रोडक्शन जिससे आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मुझे आप जानते हैं एज अ पाकिस्तान का टॉप फ्रीलांसर्स में से एक फ्रीलांसर। इसको दूसरी जुबान में कहें कि मैं पाकिस्तान के टॉप फ्रीलांसर्स में से एक फ्रीलांसर हूं, ऐसा आप जानते। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, लेकिन ये बात मतलब बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को अपने मुंह मियां मिठू बन जाता हूँ, कोई मसला नहीं। बाज़ुकात अपनी तारीफ भी करनी पड़ती है। मैं उन फ्रीलांसर्स में से हूँ पाकिस्तान के जो सिर्फ एक प्रोफाइल पर, एक प्लेटफॉर्म पर जो है कामयाब नहीं। फाइवर पे टॉप रेटेड हूँ मैं, अपवर्क पे टॉप रेटेड प्लस हूँ, फ्रीलांसर डॉट कॉम पे टॉप फ्रीलांसर जो है पाकिस्तान के, जिन्होंने लाखों डॉलर कमाए उनमें से एक हूँ। मेरी एजेंसी प्रोफाइल अपवर्क पे बहुत बड़ी है, मिलियन डॉलर्स में दिखा चुका हूँ लॉग इन करके। लाइव कोई भी लाइव करके नहीं दिखाता। तो एक फ्रीलांसर वो एक्सपीरियंस, एक फ्रीलांसर शायद मेरे से ज्यादा बड़े फ्रीलांसर्स हों पाकिस्तान में, ये बात ठीक है। यानी एक्सपीरियंस में ज्यादा हूँ, मतलब एक्सपीरियंस क्या कि वो मेरे से पहले शुरू किया हो, एज में भी बड़े हैं मेरे से फॉर एग्जाम्पल। लेकिन फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर डॉट कॉम, गुरु डॉट कॉम, इन सब पे प्रोफाइल्स होना और अच्छी प्रोफाइल्स होना, टॉप पर होना बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट मेरे बराबर है और मैं उसका नाम कुछ दिनों में, अभी वो खुद कह रहा है कि मैं पब्लिक नहीं आना चाहता, मेरा एक स्टूडेंट है मेरे मुकाबले में, जो ये मेरे लिए खुशी की बात। अच्छा, लेकिन सब लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसर है तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों करवा रहे हैं भाई, एसईओ क्यों करवा रहे हैं, ईडीसी एंड ईडीसी। भाई, डिजिटल जो फ्रीलांसिंग है वो कोई स्किल नहीं, स्किल बिल्कुल भी नहीं है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इज नॉट अ स्किल, इट इज अ वे ऑफ अर्निंग। देखिए, मैंने आज जब फ्रीलांसिंग का कोर्स पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ऑनलाइन अर्निंग के दो तरीके हैं, एक बिजनेस खोलें या आप किसी के अंडर काम करें। जब आप किसी के अंडर काम करते हैं तो फ्रीलांसिंग है, आप कह सकते हैं ठेकेदारी भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप बिजनेस खोलें, खुद से कमाने लगे, तो उसमें ब्लॉगिंग और ईटीसी बहुत सारी चीजें। लेकिन बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग को तो जानते हैं, एसईओ है, ईटीसी एंड ईडीसी, लेकिन ये नहीं जानते कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड जो है वो सब पे टॉप, सबसे टॉप, बाकी सब फील्ड उसके अंडर है। इसी तरह रियल लाइफ में भी मार्केटिंग फील्ड सबसे टॉप पर होती है, बाकी सब फील्ड उसके अंडर होते हैं, सब कुछ उसी के लिए किया था। अच्छा, मेरी फील्ड जो है, मेरी स्किल्स जो है, देखिए मैं फ्रीलांसर जरूर हूँ, फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी देता हूँ, लेकिन किन स्किल्स की सर्विसेज देता हूँ मैं। वैसे हर स्किल्स की, हर स्किल की सर्विस दे देता हूँ जो मुझे नहीं भी आती, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है जैसे फ्रीलांसिंग। लेकिन मेरी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड। क्या मुझे सारी डिजिटल मार्केटिंग आती है? बिल्कुल नहीं, मुझे सारी डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती। मैं, इतनी बड़ी फील्ड है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग पूरी की पूरी नहीं आती, हर चीज नहीं आती डिजिटल मार्केटिंग। विकास कभी भी नहीं आपको कहेगा जो चीज नहीं आती वो ना कर, हर हर फन मौला नहीं हूं मैं। लेकिन मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरी एक स्किल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि विकास अहमद बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम कर चुका। विकास अहमद ने ना सिर्फ वेब पेज एफएक्स, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, उठा के देख ले वेबसाइट, टॉप 100 कंपनीज या टॉप 10 सॉफ्टवेयर हाउसेस देख ले, नंबर 1 पे बहुत सारी जगह आपको वेब एफएक्स का नाम मिलेगा। विकास ने एज अ सब कंपनी, विकास की कंपनी ने काम किया। विकास ने एक
बहुत बड़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर है कनाडा के वार्ड क्लाफाम, उनके लिए काम किया है। वकास ने काम किया है सऊदी अरब की एक एजेंसी है 4C लैब्स, यूज 4C, वो बहुत सारे बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वकास ने उनके लिए काम किया है। आप यूं कह रहे हैं कि जी वकास अहमद जो है, वकास अहमद एक ऐसी वेबसाइट पर काम कर चुका है जैसे यहाँ पे PIO होती है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वकास अहमद इसी तरह की एक एयर रॉयल एक कंपनी है UK की, वो वकास अहमद ने बनाई, मतलब उसकी वेबसाइट, और वेबसाइट उसकी वेबसाइट की मार्केटिंग वकास अहमद। तो वकास अहमद बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुका है, इसी तरह एक्सपीरियंस आया। मेरा कोई टीचर नहीं है, मेरा टीचर गूगल है, मेरा टीचर यूट्यूब है, तो मेरे हर कोई टीचर है, मैं हर किसी से लर्निंग करता हूँ। तो वकास अहमद ये है आपके सामने, आपका टीचर आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर। देखिए मैं कभी भी तैयारी नहीं करता किसी भी लेक्चर को देने के लिए। पिछली बार जब फ्रीलांसिंग इज ईजी जब मैंने शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि यार एक्स्ट्रा बातें कर रहा है, वो कर रहा है। भाई मैं लेक्चर तैयारी नहीं करता, मैं जैसे आता है वैसे बोल देता हूँ आके, तो एक्सपीरियंस भी कोई चीज होनी चाहिए ना। तो बहरहाल अब मैंने थोड़ा सा मैनेज किया, मैंने पार्ट्स में कन्वर्ट किया, जिसे मैं पहले पार्ट में हूँ इस, और मेरे साथ इस वक्त 1115 लोग लाइव हैं, 1100 प्लस लोग लाइव हैं। अगर आप शेयर करेंगे इसको, इससे भी ज्यादा लोग लाइव हो सकते हैं। हमने पिछली बार फ्रीलांसिंग इजी में रिकॉर्ड कायम किया था, तो इंशाल्लाह उसको भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, खैर शुरू करते हैं हम लेक्चर, और मैं अब सेकेंड पार्ट की तरफ जाता हूँ। तो सेकंड पार्ट हमारा ये है कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए, क्या हम करेंगे, व्हाट वी विल डू और व्हाट यू हैव टू डू, मतलब ये सारे सवाल एक ही तरह के, मतलब आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है, और इस कोर्स में क्या करेंगे, ये सारे सवाल। देखिए कोर्स को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, मैं हर वक्त हर कोर्स हर मतलब ये रोजगार पढ़ाता हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ मैं, फ्रीलांसिंग इजी पढ़ा चुका हूँ, ब्लॉगिंग इजी पढ़ा चुका हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जहां पे भी कोई वेबिनार हो, सेमिनार हो, हर जगह मैं यही बात करता हूँ कि कामयाबी जरूरी नहीं है कि आपको मेहनत करें कामयाबी आ जाए, कामयाबी ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो है ना स्किल सीख लें और कामयाबी मिल जाए, नो नेवर, कामयाबी नहीं, कामयाबी एक्स्ट्रा बातों से मिलती है। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई 200 साल की, उसमें एक जो पॉइंट आया वो नुकता ये आया कि 200 साल की एक ही दफा रिसर्च हुई है, एक ही रिसर्च है आज पूरी हिस्ट्री में, तो उस रिसर्च में एक ही, और रिसर्च का मकसद था कामयाब तरीन लोग कौन होते हैं, उसमें क्या खसूसियत कॉमन होती, तो एक ही बात आई और वो कॉमन चीज ये है कि कामयाब तरीन लोग आपस में कम्युनिकेट करते। तो मैं सबसे पहले क्या चाहता हूँ आपसे, बहुत सारी चीजें चाहता हूँ, और उनमें से एक चीज है कि आपस में दोस्तियां, प्लीज आपस में यहाँ पे टीम्स बनाएं, आपस में लड़े झगड़े नोक झोंक होती है ना अच्छी वाली, वो करें, यहाँ पे इस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट, जैसे फ्रीलांसर्स पंडा को बूस्ट किया है, इसमें बैठ के बातें करें आपस में दोस्तियां करें, फॉर एग्जाम्पल किसी की पोस्ट देखा करें, खुद से भी बेइज्जती नहीं होती इसमें, इसमें आपकी, फॉर एग्जाम्पल आप खुद से जाके किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, इसमें क्या बेइज्जती, कोई बेइज्जती नहीं, कुछ भी बेइज्जती नहीं है। आप अच्छे लोगों से गैदरिंग करेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, गंदा आम जैसे एक गंदा आम एक सड़ा हुआ आम बाकी आमों को सड़ा हुआ बना देता है, इसी तरह अगर आप अच्छे लोगों में रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल इस फिक्रे को थोड़ा सा तब्दील करें, आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों में रहें जिनको डिजिटल मार्केटिंग आती है, ये थोड़ी बहुत भी आती है, ज्यादा जरूरी नहीं आना, थोड़ी बहुत भी आती है, उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दें, आप डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दें जो फ्रीलांसर है, तो आप फ्रीलांसर बन जाएंगे। देखें यहाँ पर ऐसे ही होता है, यहाँ पर मैं टीम्स बनाता हूँ, मेरी क्लास में आदत है मैं टीम्स बनाता हूँ और उन सबको काम, तो इंशाल्लाह आपका भी जरूर काम होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। देखें अब हम करेंगे क्या, एक और चीज, नंबर ये तो आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सबको सेंड करनी है, इस ग्रुप में जितने भी लोग आपको अच्छी अच्छी पॉजिटिव जब भी नजर आए उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड, हम एक मैच्योर गैदरिंग बनाएंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैदरिंग बनाएंगे। ठीक है,
अच्छा दूसरा आपने काम किया है कि करना है वो ये कि अपने टीचर के बारे में जाने यार, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर ऑन करूँ और मैं यहाँ पर वकास अहमद की प्रोफाइल खोलूँ, ठीक है, वकास अहमद की प्रोफाइल खोलूँ, इंटरनेट मेरा अच्छा है आज, मैं ये वकास अहमद की प्रोफाइल पर जाके तो देखें भाई आप, है जाके तो देखें ये कौन है यार, ये वकास अहमद बताओ ये कौन है, वकास अहमद कौन है, ये कौन बंदा है, अपने टीचर के बारे में जाने के लिए इस प्रोफाइल पर जाके तो देखे बंदा, ऐसे नहीं होता कि आप मेरे साथ अटैच हैं, मेरे से लर्निंग करना चाहते हैं और मेरे बारे में जानते ही नहीं यार, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप एक बार मेरे बारे में जाने जाके मेरी प्रोफाइल पर अटैच हो, मुझे फॉलो करें, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं इसका जवाब, मैं बिल्कुल मतलब जो दिल में आता है बोल देता हूँ, मुझे ये नहीं है कि टेंशन कि भाई आप ना अपने आप को फॉलो करवा रहे हैं। देखें भाई बात ये है कि इसमें एक फेस आप फेसबुक पे मौजूद हैं, हम फेसबुक पे लेक्चर ले रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का ही आगे पढ़ने वाले हैं बकायदा ही। आप देखिए अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, आप मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में आप लोगों को जानेंगे कैसे, एक बंदे के बारे में पता ही नहीं, आप मिलेंगे जुलेंगे तो जानेंगे और उसका पहला सूल है बात करेंगे, उसके घर जाएंगे, कभी वो आपके घर आएगा, ऐसे ही है। तो फेसबुक पे आप रह रहे हैं, फेसबुक एक सोशल कम्युनिटी, फेसबुक पे रह रहे हैं, फेसबुक पे कैसे आप एक दूसरे से गैदरिंग करेंगे, फेसबुक पे एक दूसरे को कैसे जानेंगे, वो इसलिए जानेंगे मैं आपको फॉलो करूंगा आप मुझे फॉलो करें, मैं आपसे फ्रेंडशिप करूंगा आप मेरे से फ्रेंडशिप करें, मैं आपकी पोस्ट पर जाऊंगा आप मेरी पोस्ट पर। तो ये जरूरी है, आप फेसबुक पढ़ेंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो आपको पता चलेगा कि फेसबुक आप क्यों नाकामयाब थे, आपने किसी कुछ लोगों ने पेज भी बनाया हुआ क्यों नाकामयाब हुए, मतलब मैं आपको सारे राज बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन खैर ये बहुत जरूरी है और ये मतलब कि आपने मेरे पूरे लेक्चर देखना, तीसरा मतलब इस सेकंड पार्ट का तीसरा हिस्सा जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आपने पूरे लेक्चर देखना। देखिए पूरा लेक्चर कुछ लोग नहीं देखते, कुछ लोग क्या करते हैं ये कहते हैं कि यार ये 5 मिनट जो पहले हैं निकाल देते हैं, चलो वो तो ठीक है, फिर ये जो इंट्रोडक्शन किया ये निकाल देते हैं, फिर उससे अगला निकाल देते हैं, फिर हम सिर्फ वो लर्निंग वाला पढ़ेंगे। नो, हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मैं स्टोरीज बना के पढ़ाता हूँ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं और जो बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूँ वो ये कि मैं सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पढ़ाता हूँ, तकरीबन मैं कोशिश करता हूँ, मैं उनके खाक के बराबर भी नहीं हूँ, उनके आगे बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ही एक स्टूडेंट उमर, उन्होंने मुझे बताया, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, उन्होंने कहा सर आप तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पढ़ाते हैं और वो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले काम करवाते थे फिर उसके पीछे लॉजिक बताते। तो दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, मेरा तरीका पढ़ाने का ये होगा मैं आपको काम करूं, अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा, अगर आप असाइनमेंट करेंगे तभी आपको कुछ आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले मैं काम करूंगा फिर मैं उसका लॉजिक बताऊंगा, आज भी मैं आपको काम कर देने वाला हूँ, बहुत थोड़ा पढ़ाने भी वाला हूँ लेकिन काम देने वाला, और वो काम करेंगे आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तीसरा पार्ट हम शुरू करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। देखिए यहां पर थोड़ा सा मुझे, मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा था, अभी मैं तेज रफ्तारी से चल रहा था, मतलब अल्फाज भी, क्योंकि ताकि आप ना वो रेलिवेंट हिस्सा अगर आप किसी की नजर में नहीं है तो वो ये पढ़ लें, चलिए टाइम जल्दी हो, अब मैं जरा सुकून से बोलूँ। देखिए बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग से पहले हम ये देखते हैं मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग बहुत आसान है, मैं एक आसान मतलब बड़ी बड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशंस लिखी, मार्केटिंग मतलब आप
को अपने आप या अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट, बस सिंपल इतना ही याद रखा करें, इतनी मुश्किल डेफिनेशन में ना जाए, ठीक है। कोई परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, परफेक्शन हम आहिस्ता आहिस्ता करते। तो मेरे नजदीक बहुत सिंपल लैंग्वेज याद रखा करें, सिंपल लैंग्वेज में और फिर आगे मूव करते। तो मार्केटिंग सिर्फ अपने आप को या किसी प्रोडक्ट को या किसी इंडिविजुअल को प्रमोट करना है, और यानी कोई एक्टिविटी करना है जिससे प्रमोशन और जिससे एक्शन ले सामने वाली ऑडियंस, जिसके अगेंस्ट आप मार्केटिंग कर। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया है मैंने आपको, बस सिर्फ यही है मार्केटिंग डेफिनेशन। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ये है कि बस किसी चीज को ऑनलाइन कर, इंटरनेट पे कर। तरीके डिफरेंट होंगे, ऑफ कोर्स तरीके बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और फिजिकल लाइफ में करना और ऑनलाइन करना बुनियादी असूल वही होते हैं, रूह वही होती है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे टूल्स होंगे, बहुत डिफरेंट चीजें होंगी, वहां पे डिफरेंट चीज, बस फर्क क्या है? ऑनलाइन होने का, इसकी डेफिनेशन, तरीकों में डिफरेंस है आपको, लेकिन डेफिनेशन में वो इंटरनेट पे कर रहे हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग को इंटरनेट पे करना डिजिटल मार्केटिंग, बस इतना ही याद रखने की, इससे ज्यादा याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अच्छा, अब हम अपने नोट्स पर जाते हैं डायरेक्टली, और हम वहां पर करेंगे काम। देखिए आपके सामने इस वक्त खुला हुआ है नोट्स, और यहां पर हम सीखना शुरू करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मैं इसको ब्लैक में, हम पढ़ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। बहुत कॉम्प्लेक्स है आपकी नजर में, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, मेरी डेफिनेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं, जो आपकी जहन में मार्केटिंग की डेफिनेशन बन रही है ना, वही याद रखें, और उसको ऑनलाइन करने को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, यानी इंटरनेट पे अगर आप उसी चीज को करें तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग। तारीफ याद रखने की जरूरत नहीं होती, जहन में सेंस आ रही है तो बस बात खत्म वहीं पर हो जाती है। तो अब हम डिजिटल मार्केटिंग है क्या यार, अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीजें आती है, ठीक है, हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, ये क्या चीजें आती है यार, ये हम जरा गौर करते हैं, ठीक है। कुछ एरोस बना रहा हूं ताकि आपको तो बस दिखा सकूं। मैंने आपसे दावा ये नहीं करूंगा, मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा इस कोर्स को, इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग जब हम SEO करते हैं ना, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जब हम वीडियो मार्केटिंग करते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। और जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। मैंने कहा था आपको पहली क्लास के बाद आप खुलने लगे। जब हम एफिलिएट मार्केटिंग करते, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है ना। और जब हम ईमेल मार्केटिंग करते, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। जब हम ऑनलाइन जो है प्रेस में देते हैं, ऑनलाइन अखबारों में प्रेस में देते हैं, प्रेस मार्केटिंग आप इसको कह देते हैं, तो वो भी और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। ये मैंने आपको इस तरह समझाने की कोशिश की है कि ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, PPC, पेपर कार्ड, और आप यूं कह रहे हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग, कॉस्ट पर एक्शन, पता नहीं क्या बड़ा बड़ा सारी चीजें भाई डिजिटल मार्केटिंग के अंडर। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग एक छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको गैदर करते हैं ताकि
इसको हम कहते करते हैं, इसको हम एक साइड पर रख देते हैं, हम नेक्स्ट कर, ठीक है। अब आप खुले ना, बहुत सारे लोगों को जरूर पता होगा SEO क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जरूर पता होगा वीडियो मार्केटिंग यानी यूट्यूब पे और किसी पे भी देना, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत सारे लोगों को पता होगा, जैसे फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत सारे लोगों को पता होगा, इन सब चीजों का रहता रहता पता होगा, इससे भी बहुत ज्यादा चीज, अच्छा इससे भी आगे चीज है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। अब आप फ्रेंडली हो गए ना इस चीज से, तो ये ग्रुप किस लिए है, ये जो हमने ग्रुप बनाया है, मतलब ये अभी मैं ग्रुप आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये जो हम ग्रुप बनाया है ये किस चीज के लिए, ये वाला ग्रुप डिजिटल मार्केटिंग लाइफ, अच्छा ये वाला ग्रुप यानी इन सब चीजों के लिए है, ये इकलौता ग्रुप है, मतलब इन सब चीजों के लिए। अब बहुत सारे ग्रुप चलते हैं जैसे ब्लॉगिंग के ग्रुप चल रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं जैसे खासतौर पर फ्रीलांसिंग का ग्रुप चल रहा है, उसी में ब्लॉगिंग शुरू, ब्लॉगिंग के ग्रुप में फ्रीलांसिंग शुरू, ब्लॉगिंग के ग्रुप में हर चीज शुरू, वीडियो मार्केटिंग उसी के ग्रुप में शुरू, तो ये ऐसी बात नहीं है। तो बात ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज दी मतलब सुपीरियर थिंग है डिजिटल, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर न्यूज मार्केटिंग बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा किया, अभी हम सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे ऑफकोर्स, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो आप सब इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, इस ग्रुप का नाम है facebook.com/group/digitalmarketing, और ये आप एंटर करेंगे तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वीडियो कहीं भी देख रहे हो, चाहे फ्रीलांसर्स फंडा में देख रहे हो, या किसी अपने दोस्त के प्रोफाइल पर देख रहे हो, या किसी रिलेटिव के प्रोफाइल पर देख रहे हो, या किसी और ग्रुप में, आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। इस ग्रुप में हम ये सारी चीजें करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर दोबारा आ गए, ठीक है। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हम देख रहे हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आपके सामने स्क्रीन खुली, हाँ स्क्रीन खुली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की जब भी हमें कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ना होगा तो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसमें हम मेन चीज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो आप जब भी कोई भी चीज करते हैं, जब SEO कर रहे हैं, इंडिविजुअल अगर हमें पढ़ना है तो हम ये सब चीजें देखेंगे, हम इंडिविजुअल अगर हमें पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये किस चीज के लिए, वीडियो मार्केटिंग पढ़नी है तो किस चीज के लिए, सोशल मार्केटिंग, मतलब इसमें बुनियादी चीजें क्या है, इन सब चीजों में बुनियादी चीजें क्या है, उनको फाइंड आउट कर लेना तो काम हो जाए। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ओवरऑल एक बुनियादी चीज है, और वो सब मतलब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पिछली बार मैंने एक पोस्ट पर लिखी थी तो आप पता कहेंगे, आप कहेंगे कंटेंट, कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मार्केटिंग के अंदर, कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट, नो, बिग नो, कंटेंट इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट जितनी ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट। हम जो कुछ भी करते हैं मार्केटिंग में वो किस चीज के लिए करते हैं, ट्रैफिक हासिल करते, मतलब यूजर हासिल करने के लिए, अगर ट्रैफिक नहीं होगी तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। मतलब SEO भी हम ट्रैफिक के लिए करते हैं, वीडियो मार्केटिंग भी हम ट्रैफिक के लिए करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ट्रैफिक के लिए करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी ट्रैफिक के लिए करते हैं, भाई हर चीज हम ट्रैफिक के लिए करते हैं, हम मशहूरी के लिए करते हैं। मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ट्रैफिक, मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैफिक, ट्रैफिक के लिए हम सब चीजें करते हैं, तो ट्रैफिक एक बुनियादी का योग। यस यू कैन से कंटेंट इज किंग, बहुत मशहूर दिख रहा है, कंटेंट इज किंग, लेकिन किंग तो है कंटेंट, मैं मानता हूं, लेकिन किंग संभालना किस चीज को है भाई, वो ट्रैफिक के लिए ही अच्छा कंटेंट आ रहा है, हम कंटेंट अच्छा लिख रहे हैं वो ट्रैफिक के लिए लिख रहे हैं ताकि ट्रैफिक आए, अल्टीमेट गोल हमारा सिर्फ ट्रैफिक है और कुछ भी नहीं। मतलब बात चीजें ना हमारी बुनियाद ही मजबूत नहीं होती, मैं आपकी बुनियाद मजबूत करना चाह रहा हूं कि अगर आप इस चीज को मेरी समझ जाएंगे ना कि भाई ट्रैफिक मतलब माइंड बना लेंगे कि ट्रैफिक के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं जो चीजें समझाने जा रहा हूँ, जैसे मैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि यार अच्छा हम ट्रैफिक के लिए कर रहे हैं, अच्छा हम
मतलब हमने ट्रैफिक पानी है तो ये वाला रूल होना चाहिए, अच्छा ट्रैफिक पा रहे हैं, ट्रैफिक पानी है, तो आपको रूल्स गूगल के खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगे, आपको यूट्यूब के रूल्स खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगे, आपको फेसबुक के रूल खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ आज, आज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं जरा सा टॉप करता हूँ इसको। अच्छा वो ये चीज है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल है कि गूगल, हम गूगल में अपनी चीजों को ऊपर, जब हम फॉर एग्जाम्पल गूगल में हम सर्च करते हैं, हम सर्च करते हैं वुमेन, कुछ करोड़ों रिजल्ट होंगे गूगल के अंदर, देखिए 10 रिजल्ट पहले पेज पर फर्स्ट टॉप है, और उसमें से एक नंबर वन पे भी होगा, एक नंबर टू पे भी होगा, एक नंबर थ्री पे, देखिए करोड़ों रिजल्ट्स में से गूगल ने नंबर वन रैंक किसी को दिया, नंबर टू रैंक किसी को दिया, नंबर थ्री रैंक, ठीक है, तो करोड़ों रिजल्ट्स में से दिया, किस बेस पर दिया, और हम क्या कर रहे हैं, हम पाना चाहते हैं रैंक, ये वाला अल्टीमेट गोल हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला रैंक पाना हमारा अल्टीमेट गोल, लेकिन हम इस बुनियादी इकाई को समझने से कासिर हैं कि भाई गूगल को भी हमें तो, हम और हम नंबर वन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रैफिक चाहिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट नंबर वन रिजल्ट जो होता है उसको ज्यादा लोग ओपन करते हैं उस वेबसाइट, ऐसी बात है, तो नंबर वन रिजल्ट को ज्यादा लोग ओपन करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट नंबर वन पे आए, ऐसी बात है ना, अब इसको समझिए, यानी हमें चाहिए ट्रैफिक अल्टीमेटली, ऐसी बात है ना, ज्यादा लोग ओपन करेंगे, ट्रैफिक चाहिए, लेकिन आप ये बात याद रखें कि गूगल को भी ट्रैफिक चाहिए, हम गूगल के पास किस लिए जाते हैं, आप ये बात याद रखें, गूगल क्योंकि हमें गुड रिजल्ट, ऑथेंटिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है, अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है, हम गूगल के पास किस लिए जाते हैं, वरना अगर वो ऑथेंटिक रिजल्ट प्रोवाइड ना करे तो हम गूगल के पास नहीं जाएंगे, और ऑथेंटिक रिजल्ट क्या होते हैं, आप इस चीज को समझिए, ऑथेंटिक रिजल्ट वो होते हैं जो यूजर की नीड के मुताबिक हो, यानी जो सर्च कर रहा है आपके गूगल पे उसकी नीड के मुताबिक हो, यानी गूगल गूगल अपनी ट्रैफिक जो उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, जो ट्रैफिक उसके ऊपर आ रही है उसकी नीड के मुताबिक रिजल्ट देता है, यानी ट्रैफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ में आई बात, आप ट्रैफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, गूगल जितने भी रूल्स बनाता है वो अपनी ट्रैफिक के मुताबिक बनाता है, क्योंकि अगर ट्रैफिक ही, मतलब ट्रैफिक के मुताबिक नहीं बनाएगा तो गूगल के पास कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा, इसी तरह यूट्यूब है, इसी तरह यूट्यूब है, इसी तरह फेसबुक है, सारे अपने अपनी ट्रैफिक को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक को गॉड मानते हैं, मतलब ये कारण, मैं कोई मजहब के खिलाफ बात नहीं कर रहा, आप कभी मुझे फतवे देने लग जाए, मतलब एक टेक्निकल टर्म में कह रहा हूं कि वो ट्रैफिक ही सब कुछ है, वो कहते हैं ना दुकान वाले, ग्राहक ही सब कुछ है, ग्राहक ही सब कुछ है, तो भाई यहां पर जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग है इसमें ट्रैफिक ही सब कुछ है, ठीक है, अंडरस्टूड, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं बेस बनाना चाहता हूं बस, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बहुत छोटा सा, और वो टॉपिक है कि डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स, मार्केटिंग टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स है, गिनना शुरू करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल अब गिनना शुरू करते हैं जरा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं अब पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, नंबर थ्री पेड मार्केटिंग, नंबर चार न्यूज मार्केटिंग, अभी एक आप में से एक साथी ने ये बात बताई मुझे, मेरे जहन में वर्ड नहीं, पांचवा सर्च इंजन मार्केटिंग, ये डिफरेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से डिफरेंट है, ठीक है, हम आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे,
छठा है कंटेंट मार्केटिंग, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं बड़ी जल्दी नहीं लिख रहा हूं। सातवां है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, नंबर आठवां है एफिलिएट मार्केटिंग, ये खत्म ही ना होने वाली चीजें हैं। नौवां है वीडियो मार्केटिंग, अभी आगे चलते हैं तो रुक जाए आप, मैं आपको बताता हूं कि क्या मकसद है इस चीज से। फिर ऑडियो मार्केटिंग, ठीक है। फिर 11वां है ईमेल मार्केटिंग, ये लिस्ट बहुत बड़ी है ना, खत्म होने वाली लिस्ट है। मैं आपसे क्या चाहता हूं, अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि इसकी कैटेगरीज बनाई, कैटेगरी प्रॉपर कैटेगरी किसी ने नहीं बनाई, मुझे पता है प्रॉपर कैटेगरी मैंने बनाई हुई है, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग की टाइप्स बनाई हुई थी वैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स प्रॉपर बनाई। देखिए इसमें मसला ये है कि पेड मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल, अब मसला क्या है, अब आपकी असाइनमेंट यही होगी, अब और इससे करना भी आएगा, ये सारी टाइप्स आपने पहले फाइंड करनी है। मैंने तो आपकी जितनी लिखी है 11, अब 20 हो तो 20 ही लिख लिया, ठीक है, 20 हो तो 20 लिख लिया, 20 हो तो 20 लिख लिया। लेकिन पेड मार्केटिंग, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें मसला क्या है, इसमें मसला आ रहा है जो पेड मार्केटिंग को पढ़े, पेड मार्केटिंग की एक सब टाइप SMM भी है, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी पेड मार्केटिंग के अंदर आता है, समझ में आई, और सर्च इंजन मार्केटिंग भी पेड मार्केटिंग के अंदर आती है सब टाइप, बताओ। तो ये आगे में देखें तो देखें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और कंटेंट मार्केटिंग का ताल्लुक ऑलमोस्ट एवरीथिंग से, SMM में भी आती है, SEO भी आती है, न्यूज मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, हर चीज में आती है, ठीक है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी एक टाइप है, यानी सब टाइप, उसमें SMM आती है, ठीक है। तो अब इसको प्रॉपर कैसे बनाएं, वीडियो मार्केटिंग किसकी टाइप बनेगी, अब बताओ, पेड मार्केटिंग के अंदर भी आती है वीडियो मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग यानी पेड मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीजें आती है, SEO नहीं आती, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पेड मार्केटिंग के अंदर नहीं आती, लेकिन वीडियो मार्केटिंग आती है, ऑडियो मार्केटिंग आती है, बिल्कुल आती है, कुछ है प्लेटफॉर्म ऐसे, ईमेल मार्केटिंग नहीं भी आती और आती भी है, ये भी कह सकते हैं, और वीडियो मार्केटिंग आती भी है नहीं भी आती, वीडियो मार्केटिंग वैसे भी कर सकते हैं, तो मतलब पेड मार्केटिंग के अंदर भी आती है नहीं भी आती, तो ये एक चैलेंज है आपके लिए। ये मैं असाइनमेंट दूंगा आपको अभी, तो असाइनमेंट मैंने अभी दे दी है, आपने प्रॉपर टाइप्स बनाए और कुछ समझना है कि पहले मतलब ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग समझनी है, आपने गूगल पे लिखना है, आपने गूगल से सर्च करना सीखे, देखिए मैं आज आपको सिखाता हूँ, आपने लिखना है, मतलब यहाँ पे जाना है आपने और यहाँ पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स, ये लिखना है, बहुत सारी चीजें आ रही है क्योंकि सामने खुल रही है, हर किसी में डिवाइड नहीं सही तरह किया हो, देखिए कोई यहाँ पर 10 टाइप्स है, कोई 12 टाइप्स कह रहा है, 9 टाइप्स कह रहा है, किसी का एक जबान है ही नहीं भाई, यहाँ पर 16 टाइप्स कह रहा है, कोई कुछ 7 टाइप्स कह रहा है, देखिए तो बात ये है कि ये सब अलग अलग क्यों कह रहे हैं, हमने इनको किसी तरह, देखिए वायरल मार्केटिंग भी है, ठीक है, पेपर क्लिक भी है, तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो आपने उनको अरेंज करना है प्रॉपरली, और मैंने आपको चैलेंज दे दिया है, ठीक है। तो ये आज की असाइनमेंट है, उसको पढ़ना भी है आपने जाते, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए रिजल्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहले ही हम खोल देते, यहां पर जाके आप पढ़ना शुरू करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस वेबसाइट को खोल लेंगे, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता क्यों अच्छा लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर मेरे साथ ना अभी भी शुरू में भी 1100 प्लस लोग लाइव थे, अभी भी 1100 प्लस लोग लाइव, बहुत जबरदस्त बात, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को शुरू से लेकर आखिर तक, एक्चुअली देखिए आप असाइनमेंट भी करना प्रॉपर तो मजा है, देखिए ये हमारा खुल गया है और हम इसको देखते हैं, देखिए हम इसको थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल देखें पॉल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग ये टाइप्स, इन सबको समझाने समझने का तरीका भी लिखा हुआ है, ये सारी टाइप्स टाइप्स, तो हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इसमें समझाया भी होगा SEM क्या होता है, अगर आपको समझ ना आए, देखिए समझने की कोशिश जरूर करें, समझ ना आए तो ना आए कोई मसला नहीं, आपने समझ नहीं है बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी, नहीं समझ में आता तो कोई मसला नहीं,
अगले लेक्चर में मैंने पढ़ाना है ये, लेकिन फिर भी आपने असाइनमेंट करनी लास्ट में, और आपने खुद से समझने की कोशिश करनी हर चीज, आपके पास जवाब होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है प्रॉपर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा एक और पार्ट है और वो है यू एंड मी। इस पार्ट में आप मेरे साथ लाइव आ सकते हैं, मैं कमेंट के अंदर एक लिंक देने जा रहा हूं जिसके साथ आप मेरे साथ आके ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब यहां पे आप लाइव आ सकते हैं, आपकी पिक्चर लाइव आएगी, आप मेरे साथ बातें कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट लिखने में कमेंट में जितने भी आंसर होंगे आपके, वो सारे के सारे मैं आपके जो है ना मतलब वो कमेंट्स में जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं वो मैं आंसर्स भी आपके दूं, बल्कि लेने जा। तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं मेरे से, और मैं इंशाल्लाह आपको लाइव भी लूंगा। लाइव कैसे दे रहा हूँ, मैं एक लिंक दे रहा हूँ, मैं एक आपको लिंक दे रहा हूँ, और उस लिंक वो कमेंट में लिंक आ रहा है। अच्छा, कमेंट में कैसे लिंक आ रहा है, मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पर, जिनको वो लिंक मिलेगा वो मेरे साथ लाइव आ सकते और कमेंट में मेरे से सवाल पूछ सकते। जिसने आ रहे हैं मेरे साथ लाइव, कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, आप लाइव आ सकते हैं मेरे साथ, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे साथ लाइव आ सकते हैं। मैंने एक और बारी लिंक दे दिया है, मैंने एक और बारी लिंक दे दिया है, जी अस्सलाम वालेकुम तलहा फारूक मेरे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम तलहा फारूक, तला फारूक आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अपनी वीडियो भी ऑन कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम तला फारूक, माइक ऑन कर सर, क्या चल रहा है? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ तला फारूक, बताएं आपका क्वेश्चन क्या है? जी सर, ये जो वीडियो है स्ट्रीमिंग है ये YouTube चैनल पे अवेलेबल होगी? नहीं, ये यहीं पर अवेलेबल और अच्छी क्वालिटी में होगी इंशाल्लाह। आपको बस यही सवाल था? चले शुक्रिया तला फारूक। मोहम्मद शेरू वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए क्या सवाल है? बस यही सवाल था सर। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कुछ मोहम्मद शेरू जबल, आवाज आ रही है आपकी, सॉरी टू से, मैं आपको मतलब आप हेडफोन लगा के आए मेरे पास तो वरना नहीं होगा, और माइक जिसका ऑन नहीं है वो नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम रजब अली, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर जी, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ रजब, आप सवाल पूछे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे थे कि ग्रुप में फ्रेंडली रहना, सर मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की थी, आपने एक्सेप्ट नहीं की? मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आपने मुझे ऑनलाइन रिक्वेस्ट किया, मैं रजब अली में अपना नाम आपका नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं आपको जाके ना आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले एक्सेप्ट करूंगा, बस और बताएंगे सर। बहुत शुक्रिया सर जी, बस यही सवाल है, बस मेरा यही सवाल था। अच्छा चलो ठीक है, ओके शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मुनीब, क्या हाल है आपके? सर मैं ठीक हूं, आप सुनाएं सर, क्या कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूं, क्या सवाल है? सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये आप लेक्चर जो है सर ये डे बाय डे करेंगे या वीकेंड पे होगा? दो लेक्चर हफ्ते में हुआ करेंगे और उसके असाइनमेंट हुआ करेंगे, जैसे पहला लेक्चर है इतनी बड़ी असाइनमेंट नहीं है लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट है। सर ये जो जी जी आगे पूछिए। सर ये जो असाइनमेंट होगी सर ये हमने डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप में ही सबमिट करनी है? जी बिल्कुल ऐसे जी, ओके सर, थैंक यू, खुदा हाफिज मोहम्मद मुनीब। अच्छा जिनको जगह नहीं मिल रही ना यहाँ पर लिंक की वजह से, तो वो प्लीज मैं वीडियो प्रेफरेंस सबसे पहले दूंगा। अहमद अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, मेरे को आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा रौनक है यार, मजाक ना हो, बताएं मुझे ये सवाल आप। सर एक छोटा सवाल है, आपने कहा था कि मतलब कंटेंट इतना जरूरी नहीं है, हमने ट्रैफिक लेके आनी है, बट ये कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग और क्वीन इज द एंगेजमेंट, सो सर हमारे पास मतलब अच्छा कंटेंट नहीं है तो ट्रैफिक कैसे आएगी? देखिए आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैंने ये नहीं कहा कि कंटेंट इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो बेस है हमारी, जो बुनियाद है, वो है जी ट्रैफिक।
हम ट्रैफिक के लिए सब कुछ करते हैं, मैंने ये कहा कंटेंट इज, मैंने ये भी बात इत्तफाक किया था अपने लेक्चर के अंदर, कंटेंट इज किंग, कंटेंट की अपनी जगह मतलब रेसिप्रोकल है, लेकिन हमने बुनियाद नहीं पकड़ी अगर तो फिर हम करते किस लिए हैं, मतलब कंटेंट अच्छा किसके लिए लिखते हैं, वो ट्रैफिक लाने के लिए ही लिखते हैं, मतलब पॉइंट ये है। और आपने खुद भी जवाब दे दिया, आपने मेरे से सवाल किया लेकिन आपने जवाब भी उसका खुद ही दे दिया, थैंक यू। जो जो प्लीज आ रहा है ना, एक सवाल पूछे और प्लीज जो वीडियो के साथ नहीं आ रहा उनको मैं नहीं ले रहा, उनको मैं किक ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी किक ऑफ कहना होता है, इसमें किक ऑफ लिखा हुआ है तो रिमूव करता जाना स्क्रीन से वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम शहजाद अशरफ, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम अकाश भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। मार्केटिंग फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में मैं भी कोई अरसा 12 साल से काम कर रहा हूं। अभी जितने भी आपने टाइप्स बताई हैं, इन टाइप्स में कोई भी पेड मार्केटिंग आपने थर्ड पे लिखा, क्या बाकी सारी पेड मार्केटिंग से डिफरेंट है? ये चीज मुझे समझ नहीं, क्लियर नहीं हुई कि हम हर चीज में जो है वो कुछ या खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या हम इन रिटर्न ले रहे होते हैं, तो वे डिफरेंट कैसे होंगी? अच्छा, पेड मार्केटिंग की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप क्योंकि पहले से मार्केटर हैं तो मैंने टाइप लिखी हुई है, पेड मार्केटिंग ये है कि पैसा खर्च करके ट्रैफिक ले लेना, ऐसी बात है। yes. तो पेड मार्केटिंग ये नहीं है, लेकिन एसईओ पेड मार्केटिंग के अंदर नहीं आ सकता ऐसे दे, मतलब आप डायरेक्टली किसी प्लेटफॉर्म को पैसे दे, तो एसईओ में ऐसा नहीं होता, आप गूगल को पैसे नहीं दे रहे होते अपनी वेबसाइट रैंक करवाने के। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर रहे होते, इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग, पैसे दे के करवाना, ट्रैफिक लाना सीधा वो डिफरेंट। देखिए यहाँ पे एसईओ में पैसे खर्च करें आप और ट्रैफिक मिले ना, या मिले या ना मिले, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो जब जैसे आप पैसे पेज के ऊपर जो है वो, जैसे हम फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो लाइक्स लेने के लिए या पोस्ट वगैरह, वो पेड मार्केटिंग में आ जाएगा, ठीक हो गया। बाकी मेरे दो क्वेश्चंस थे वो अहमद ने पूछ लिए हैं। अच्छा अशिदाद अशरफ, एक मिनट थोड़ी बात क्लियर करने दो मुझे, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए शहजाद, देखिए जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने कहा पेड मार्केटिंग, लेकिन वो पेड मार्केटिंग से आउट ऑफ द बॉक्स भी, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग यही नहीं है कि पैसे देके करो। देखिए मैं अपनी प्रोफाइल पे भी तो मार्केटिंग कर सकता हूँ, ऐसी ना, तो वो पैसे देके मार्केटिंग नहीं हुई। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में पेड मार्केट, सोशल मीडिया मार्केटिंग पेड मार्केटिंग की टाइप हो सकती है, लेकिन पेड मार्केटिंग सब कैटेगरी में, समझ में आई? तो मेरी असाइनमेंट ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, ठीक है? थैंक यू सो मच। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो जरूर आया करें प्लीज, और सवाल पूछा करें ताकि बहुत अच्छा हो। हाफिज मोहम्मद वकार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सवाल पूछिए सर, विदाउट कंटेंट हम अपनी इसको कैसे ला सकते हैं? हमारे पास कंटेंट ही नहीं होगा तो हम अपनी ऑडियंस को कैसे लाएंगे अपने पास? बिल्कुल भी नहीं ला सकते ट्रैफिक को, बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो हमारे पास कंटेंट होना लाजमी है ना ट्रैफिक के लिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात। तो यही बात कंफर्म करनी थी कि आपने अभी जब बताया था कि कंटेंट से पहले हमें ट्रैफिक जरूरी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कंटेंट से पहले ट्रैफिक जरूरी है, मेरा फिक्र ये बिल्कुल भी नहीं था, ना हो सकता। मैंने सिर्फ ये कहा था कि बुनियादी चीज क्या है, वो है ट्रैफिक। हम ट्रैफिक के लिए कंटेंट अच्छा लिखते हैं, हम ट्रैफिक के लिए सिर्फ कंटेंट ही तो नहीं है, हम ट्रैफिक के लिए कंटेंट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन कंटेंट तो नहीं है ना। देखें एक बड़ा मशहूर फिक्र है, कंटेंट इज किंग, लेकिन प्रेजेंटेशन इज क्वीन, मलका भी तो है ना कोई, वो है प्रेजेंटेशन, ऐसी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मलका और बादशाह का काम खत्म हो जाता है, मलका और बादशाह भी कोशिश इसलिए करते हैं कि ट्रैफिक बढ़े, ठीक है? तो मेरा ये ठीक है, ओके शुक्रिया। वसीम अकरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, आपने कहा कि जो मुख्तलिफ कैटेगरीज है डिजिटल मार्केटिंग की, तो अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहता है तो क्या ये लाजमी है कि सारे कैटेगरीज वो एक्सपर्टाइज करे, या उसमें एक या दो ही सेलेक्ट करके उसमें वो एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है? yes, इंटरकनेक्टेड तो नहीं? सारी इंटरकनेक्टेड सब कुछ है। देखिए
मैं मेरा एक असूल है, मेरे से एक आपका सवाल का थोड़ा सा मोल्ड है, मेरे से सवाल किया जाता है कि क्या सारी स्किल्स हासिल करना जरूरी है? सर डिजिटल मार्केटिंग में, डेवलपिंग में भी और बहुत सारी चीजें आती, तो मेरा जवाब ये होता है कि सारी स्किल जरूरी नहीं है और जरूरी है। अच्छा कैसे करना चाहिए? तरीकेकार ये होता है कि पहले एक स्किल में ग्रिप हासिल, उस स्किल को अपना खासा बनाए, बाकी स्किल 20% को, 30% को, 10% आती है, कोई 40% आती है वो ठीक है, लेकिन एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जो 80% से अबव आती है, ठीक है? तो ये आपके सवाल का होपफुली जवाब। लेकिन वसीम अगर यार मैं समझ गया था कि कोई क्रिकेटर आ गए भाई, बहुत शुक्रिया सर। ओके अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, ठीक आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र जी। सर आपने कहा कि ये जो SEO है ये पेड मार्केटिंग में नहीं आता। नहीं, SEO पेड मार्केटिंग में कभी भी नहीं आ सकता, क्यों है? अभी बल्कि मैंने इस क्वेश्चन आंसर में जवाब दिया सर। चलिए ठीक है, ओके ओके। अगर आप बस, मैंने अभी आप दोबारा लेक्चर देखिएगा मेरा, अभी आपसे पहले एक सवाल पूछा था उसमें मैंने इसका जवाब दिया था कि SEO क्यों नहीं आता, ठीक है? ओके शुक्रिया। बस अब मैं थोड़े और लोग, मतलब और भाइयों, अपने भाइयों को ऐड कर पाऊंगा भाई, तो प्लीज माफ कीजिएगा, मुझे टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने असाइनमेंट देके जा रहा हूं। अली रिंद, अस्सलाम वालेकुम अली रिंद, क्या हाल है आपके? और मैंने अभी आप दोबारा लेक्चर देख के क्यों लिया? अली यार बनियान पहन के बैठा हुआ है भाई मेरी तरह मलंग बंदा है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कंटेंट मार्केटिंग की टाइप थी, कंटेंट मार्केटिंग की, तो ये टाइप जो है वो सब में नहीं है कि आप जो भी मार्केटिंग करते हैं? हाँ सब में आएगी, मैंने यही कहा था, मैंने बल्कि लेक्चर के दौरान कहा है कि ये सब में आएगी। चलिए चलिए कोई बात। आमिर हनीफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, और मेरे जो एक दो क्वेश्चंस थे वो तो पहले भाइयों ने कवर कर दिए। तो मैं ना 2 साल से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जो ये जो कोर्स करवाएंगे इसमें आप हर कैटेगरी के डीप जाएंगे या एक स्पेसिफिक आप लेंगे जिसमें आप अच्छी तरह उसको मास्टर करवाएंगे और बाकी? आमिर हनीफ, सबसे पहले ना हम जिसकी जड़ को पकड़ेंगे, सब जो बुनियादी चीजें, फिर हम जो मुझे आती है, मुझे सारी चीजें नहीं आती, मैं हरफन मोला नहीं, मुझे सारी चीजें नहीं आती, लेकिन मुझे वीडियो मार्केटिंग आती है, मतलब पेड मार्केटिंग वाली जो टाइप है ना वीडियो मार्केटिंग, वो मुझे आती, दूसरी टाइप नहीं आती। तो मैं, मुझे हर चीज नहीं आती, मुझे ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता, ठीक है? मैं उसके गुर जरूर सिखा सकता हूँ लेकिन मुझे 100% नहीं आता। तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती, जो चीजें आती हैं वो मैं सिखाऊंगा, जो चीजें मुझे नहीं आती उनके लिए मैं लोग लेके आऊंगा, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं वो जुड़े हुए हैं, वो इंशाल्लाह आपको साथ साथ देंगे। ओके शुक्रिया। अब हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं सवाल क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में तो पहले बार आपका कोर्स एनरोल किया है और मैं SEO भी सीख रहा हूँ, लेकिन SEO जहाँ तक मैंने पढ़ा है यूट्यूब में वो सब थ्योरेटिकल है, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कोई SEO का कोर्स लॉन्च करेंगे ऐसा, या कोई ऐसी गाइड? ये तो आपको किसी ने गलत कहा है कि थ्योरेटिकल होता है, हर चीज प्रैक्टिकल होती है, नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो उन्होंने सिखाया है वो थ्योरेटिकल ज्यादा, इम्प्लीमेंटेशन कम। मैं आपको प्रैक्टिकल जरूर करवाने की कोशिश करूंगा, मेरी अप्रोच प्रैक्टिकल ही हो। चलें ठीक है, कोशिश निशा जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उमर फारूक। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी सर, एक तो बिल्कुल सवाल तो डिजिटल मार्केटिंग के वाले से जो आपने बताया कि ये सिर्फ हम स्टडी करेंगे और सबमिट कैसे करेंगे, क्या क्या सबमिट करना है, उसको कैंडी थोड़ा सा शॉर्ट मतलब वो बता दें, ठीक है, थोड़ा सा आसान अल्फाज में। और सेकंडली वही रिक्वेस्ट थी कि आप, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, काइंडली वो भी एक्सेप्ट कर दीजिए। अच्छा मैं नाम लिख रहा हूँ, 3 बंदों ने मुझे कहा है मोहम्मद उमर फारूक आपका नाम है, अब मैं कोशिश करूंगा, आप मुझे एक मैसेज भी कर दीजिएगा, ठीक है?
मैं सर आपको रिलेशनशिप किया हुआ, मैं आपको अगेन मैसेज कर देता हूं। कबीर फारूक अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हमारी टीम में भी शामिल है, डिजिटल मार्केटिंग लाइफ की टीम में शामिल है मैं, अगर सही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका सवाल, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मतलब हम, आपने बताया कि ट्रैफिक जो है वो हमारी मेन चीज है, सही? तो ट्रैफिक गेन करने के लिए या दूसरे अल्फाजों में डिजिटल मार्केटिंग की बैकबोन जो होगी वो क्या होगी? मतलब देखिए, बैकबोन डिजिटल मार्केटिंग की ट्रैफिक है, वो बैकबोन ही कह रहा हूँ, बैकबोन ही ट्रैफिक है, ठीक है? आप ये ना समझे कि कंटेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ना समझे कि प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब चीजें इम्पोर्टेंट है, लेकिन सारी चीजें ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है ना, बैकबोन, बैकबोन के साथ जुड़ी हुई। देखिए, अगर ट्रैफिक को अपने माइंड में बिठा लेंगे ना तो आपको समझने में आसानी होगी। मैंने इसको एग्जाम्पल के जरिए, जो गूगल वाली एग्जाम्पल दी है ना, उसके जरिए समझाने की प्रॉपर कोशिश की, ठीक है ना? जी जी। उसको अगर समझेंगे ना, दोबारा लेक्चर को देखेंगे ना, तो मजा आए। और कुछ? ओके ओके, शुक्रिया कबीर। कबीर हमारी टीम में शामिल है भाई, डिजिटल मार्केटिंग लाइफ की। शहजाद अशरफ, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा आए आप या पहले था? जी वाले, जी वाले की सलाम, मैं दोबारा आ गया हूं, मुझे एक और सवाल आ गया था। अच्छा, तो मैंने पूछना था कि एक तो ये जो हमारा लेक्चर है, क्या ये ऐसे हमारे ग्रुप में रिकॉर्डेड रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ ट्रेनर्स हैं वो दे के फिर डिलीट कर देते हैं। नहीं, ये ग्रुप में है। ओके, दूसरा ये जो आपके सामने ये टैब पड़ा हुआ है, जिस राइटिंग टूल आपने यूज किया, मुझे इसके बारे में थोड़ा अगर गाइड कर दें, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और बाय प्रोफेशन, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। जी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर करूंगा, डिटेल में होगा ना फिर। ओके, मेरा नाम नोट कर ले, मैं आपको जाने रिक्वेस्ट भी सेंड कर रहा हूं और मैसेज भी करूंगा। अच्छा, शहजाद, थैंक यू, थैंक यू सर। जी सॉरी, मैं बस सिर्फ एक और रिक्वेस्ट दे रहा हूं, मोहम्मद सर। सर कैसे हैं आप? सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सर, जब भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, जैसे फेसबुक की मार्केटिंग करते हैं या इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करते हैं, हमें लॉस ही क्यों होता है? जैसे कोई बंदा न्यू आता है, वो मार्केटिंग करता है एड्स मैनेजर के जरिए से, लेकिन सर जैसे वो एड्स चलाता है, उससे जरूर नुकसान होता है फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि उसे नहीं पता होता है वो कितना एड्स चलाता है। हाँ, वो नहीं पता होता ना, आपने देखिए सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, उसको पता नहीं होता ना। देखिए, वैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर मार्केटिंग के में धक्का लगेगा आपको थोड़ा सा, मार्केटिंग जब पेड मार्केटिंग करते हैं ना, पैसे देते हैं, तो उसमें ना फौरन आपको मुनाफा नहीं होता, आपको एक टर्म होती है रीटारगेटिंग, उसमें मुनाफा, लेकिन वो आगे सिखाऊंगा, अभी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए जवाब देना। तो एक आपने जवाब को दे दिया था कि तो पता ना हो तो फिर लॉस होता ही, ठीक है? दिस इज द आंसर। सॉरी टू से, मैं अब बस और क्वेश्चन भी ले रहा, क्योंकि लेक्चर एंड भी करना है मैंने, ठीक है? तो मैं अब इसके जो हमारे जो आखिरी पार्ट है ना, उसकी तरफ जा रहा हूँ, कि जो है असाइनमेंट वाला पार्ट 5, असाइनमेंट मैं इस लेक्चर में दे चुका हूँ। अब कुछ सवाल आते हैं कि असाइनमेंट हमने कहाँ देने, तो असाइनमेंट आपने इस ग्रुप में ही पोस्टिंग करनी है, 1000 पोस्टिंग हो जाए इस ग्रुप के अंदर। लेकिन दूसरा तरीका यह है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ये तरीका अच्छा तरीका बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं असाइनमेंट का एक लिंक कल पोस्ट करूँ, ठीक है? अभी असाइनमेंट ग्रुप में किसी ने पोस्ट नहीं, ग्रुप में सिर्फ जैन होना है। अब आपको पता चल गया डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें शामिल है, तो आपने क्या करना है, सारी चीजों के मुताबिक पोस्टिंग आप किसी और ग्रुप में जाके करते होंगे, अपनी प्रोफाइल में जाके करते होंगे, वो इस ग्रुप में करनी है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, यहीं पर पढ़ रहे हैं, तो अपना जीना मरना ओढ़ना बिछोना सब कुछ यही बनाना, तो इस ग्रुप में पोस्टिंग करें, इस ग्रुप में बातचीत करें, दूसरे के साथ दोस्तियां करें, जैसे मैंने शुरू में कहा। तो असाइनमेंट के लिए मैं एक लिंक पोस्ट करूंगा और वो उस पे असाइनमेंट आपने सबमिट करवा, तरीका भी उसके साथ, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया, और मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ यहाँ पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये मामूली लेक्चर नहीं है। आप, मैंने आपको बताया ना, मेरा तरीका ये है, मैं काम पहले करवाता हूँ, बाद में उसका लॉजिक समझाता हूँ। तो ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो
तो आप जरूर इस पे अमल कीजिए। मेरे फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स जो है ना सीरीज जो जिन्होंने शुरू से शुरू की उनको फायदा होगा। देखिए हजारों लोग अब मेरे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पेड कोर्सेज करवा रहे हैं, तो फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं, इतनी खुशी होती है देख के, लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। अल्लाह नीयत अच्छी हो सब कुछ अच्छा हो। तो मेरी नीयत बहुत साफ है आप लोगों के लिए, जब भी मैं टाइम दे रहा हूँ, एक घंटा हो गया हमने लेक्चर शुरू किए हुए, तो आप ये बात याद रखें कि आपने मतलब जो मतलब असाइनमेंट है वो लाजमी देनी है, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, इस कोर्स के बारे में लोगों को बताना है। मुझे खुशी होगी आज से 6 महीने बाद हजारों डिजिटल मार्केटर्स मेरे हाथ से मतलब मेरे भाई बने, मेरे स्टूडेंट बने, मेरे स्टूडेंट भी होते हैं, मेरे भाई भी होते हैं, हम तो साथ मीटिंग करते हैं, साथ उठना बैठना भी करते हैं, गपशप भी लगाते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Thank you.